एवरीवन, आज है मदर्स डे, तो हैप्पी मदर्स डे टू ऑल द ब्यूटीफुल मॉम्स। और आज आस्था को मिलने वाला है प्राइज, वो ड्राइंग कंपटीशन में सेकंड आई है। तो मैं जा रही हूँ अभी टेंपल, तो बस मिलते हैं टेंपल में। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ कार में, आस्था है पीछे, वो हिंदी क्लास करके आई थी टेंपल से। तो अभी हम फिर से टेंपल में ही जा रहे हैं, वहीं पे ड्राइंग कंपटीशन हुआ था अप्रैल में, बट प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन आज होगा। तो हम अभी एंटर कर चुके हैं टेंपल में। और लंच करने के बाद हम आ गए प्राइज कलेक्ट करने के लिए। यहाँ पे आस्था जा रही है अपना ट्रॉफी लेने के लिए, और वो बहुत हैप्पी थी क्योंकि वो सेकंड प्लेस पे आई थी और हमने बस ऐसे ही उसको पार्टिसिपेट करवाया था और ये अनएक्सपेक्टेड था। तो ये बहुत प्राउड मोमेंट था मेरे लिए क्योंकि ये उसको आज मदर्स डे के दिन मिला था। उसके बाद यहाँ पे सारे बच्चे हैं ट्रॉफीज़ के साथ, इन सारे बच्चों को मिला था ट्रॉफी। तो मिलती हूँ आपसे घर जाने के बाद और दिखाती हूँ आसान मेरे लिए क्या बनाया। आज आपने देखा कि मैंने एक क्लिप डाला जिसमें आस्था को ड्राइंग कंपटीशन के लिए उसको एक ट्रॉफी मिला जो सेकंड आई थी। तो वो एक मदर के लिए बहुत ही स्पेशल मोमेंट होता है जब आपके बच्चे कुछ ऐसा प्राइज लाते हैं। तो बस अभी मैं वहाँ से आ गई हूँ और आस्था और अमु गए हैं प्ले करने के लिए। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि आस्था ने मेरे लिए क्या बनाया है, और वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। वो अभी 7 ईयर्स की है, तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। और ये जो बैग है, इसमें उसने सारे कार्ड्स बना के रखे थे, तो मैं आपको भी वन बाय वन वो सारे कार्ड्स दिखाती हूँ। तो ये है फर्स्ट कार्ड, हैप्पी मदर्स डे, और वो 1 वीक से इस कार्ड को बना रही है। और ये एक और है, उसको पेंटिंग करना बहुत पसंद है। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ, उसने सिर्फ कार्ड्स ही बनाए हैं। और एक ये कार्ड बनाया था उसने, इसको ऐसे फोल्ड करके पीछे रेनबो बनाया था, बट मैंने इसको रेफ्रिजरेटर पे लगाया था। तो ये एक ये कार्ड है, और ये सब मेरे लिए बहुत स्पेशल है, तो मैं इसको अच्छे से रखने वाली हूँ। और एक है ये कार्ड, एंड उसके बाद वो स्कूल से फोटो फ्रेम बना के लेके आई थी, जो उसकी टीचर ने ये पिक्स उसका लिया था, और ये कुछ इस टाइप से है। इस फोटो फ्रेम को आस्था ने पेंट किया था, तो ये ऐसा है। उसके बाद उसने बनाया था ये हार्ट, ये सब उसने स्कूल में बनाया है। पहले जो कार्ड मैंने दिखाया था वो घर में बनाया था, ये वाला उसने स्कूल में बनाया फोटो फ्रेम। और ये भी ये आस्था स्कूल से लेके आई थी, उसकी टीचर ने सबसे बनवाया था ये हैप्पी मदर्स डे। और इसके अंदर ये लिखा आस्था ने, मर्मेड उसकी फेवरेट है, इसलिए उसने मर्मेड बनाया। और मैं हमेशा बन लगा बनाती हूँ, तो उसने ये प्यारा सा बन बनाया है। तो थैंक यू आस्था, थैंक यू सो मच बचा, मम्मा लव्स यू सो मच। और मुझे पता है मैं इस वीडियो को व्यूज़ के लिए नहीं बना रही हूँ, एक मेमोरी बन जाएगा जिससे आस्था को पता चलेगा कि जब वो छोटी थी तो उसने मम्मा के लिए क्या बनाया। तो ये सारे कार्ड्स थे जो आस्था ने मेरे लिए बनाए थे, और मेरे लिए ये बहुत स्पेशल होता है क्योंकि लास्ट ईयर उसने मुझे कीरिंग बना के दिया था स्कूल से, तो मैंने उसे भी रखा है। तो बस अभी मैं इसके बाद मैं कुछ क्लिप्स डालूंगी आस्था के, जो उसको मैंने फोर्स करके एक हिंदी सॉन्ग उसको गाने के लिए बोला था, बट वो बहुत शाई फील कर रही थी। उसके बाद मैंने मम्मी को भी विश किया, क्योंकि फैमिली से दूर रह के आपको फैमिली का इम्पोर्टेंस पता चलता है कि फैमिली आपके लिए क्या मैटर करता है। तो बस मैं अभी वो क्लिप लगा रही हूँ, आप लोग इन्जॉय कीजिए उस क्लिप को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ये हमने रात के 11 बजे इस केक को कट किया था, ये मेरी फ्रेंड लेकर के आई थी, और उस टाइम बहुत लेट हो चुका था, हम डिनर करने के बाद ये केक कट कर रहे थे। तो मैं थैंक्स बोलना चाहूँगी अपनी फ्रेंड को, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुकी थी, बट वही केक लेके आई थी। तो ये था हमारा छोटा सा सेलिब्रेशन।
झलक है, माँ की दुआएं सबसे अलग है। जिसने कभी ना हिम्मत हार